सोचना। एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी और साधारण से असाधारण बनने के उनके जीवन सफर के अनुभव, उनके अनमोल विचारों के रूप में हमारे पास धरोहर हैं, जिनमें से एक है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। जी हाँ, विचारों का इतना जबरदस्त प्रभाव। इसीलिए तो कहा गया है कि एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। कोई भी चीज अपने अस्तित्व में दो बार प्रकट होती है, पहले वो मनुष्य के विचारों में आती है और उसके पश्चात असलियत में प्रकट होती है। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। बड़ा सीधा सा नियम है कि बिना बीज के पौधा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हैं, सही गलत उलट सुलट जो भी, उन सब की शुरुआत होती है एक विचार से। अब जैसे अच्छे बीज से अच्छा वृक्ष, तो बिच्छू बीज से बिच्छू वृक्ष, ऐसे ही अच्छे विचारों से अच्छे कार्य, बुरे विचारों से बुरा कार्य, और जैसा कार्य वैसा जीवन, वैसा ही व्यक्तित्व। इसे ऐसे समझें कि हमारा मन विचारों के बगीचे के जैसा है। बगीचे की उपजाऊ भूमि में आप जैसे बीज डालेंगे वैसे ही फसल मिलेगी। ऐसे ही हम अपने मन रूपी बगीचे में जैसे विचारों के बीजों को गिरने देंगे वैसे ही कर्म हमारे द्वारा होंगे। और हम हैं अपने मन रूपी बगीचे के माली, जिसका काम होता है बगीचे में जंगली घास ना आने देना और आए तो उसे निकाल कर फेंक देना, उखाड़ देना। लेकिन अगर सावधान ना रहे तो जंगली घास ज्यादा स्पीड से आएगी, बढ़ती जाएगी और फिर फैल जाएगी, और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते बगीचा ही जंगली घास का हो जाएगा। ऐसे ही है हमारा मन। यदि हम इसमें आने वाले विचारों के प्रति सावधान ना रहे और कुछ भी आने दें, तो फिर ये मन सारे बुरे और नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। तो जैसे सावधान माली जंगली घास को उखाड़ फेंकता है, वैसे ही सतर्क मनुष्य अपने मन से गलत विचारों को निकाल कर अच्छे विचारों की सिंचाई करता है। और ऐसा करने पर धीरे धीरे उसको यह भी अनुभव होगा कि विचारों का बाहर की परिस्थिति से भी बहुत गहरा संबंध होता है, जिसे हमारे विचार ही आकर्षित करते हैं। जैसा कि आजकल की भाषा में कहते हैं कि कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यानी विचार की तीव्रता, निरंतरता, सदैव एक ही विचार लगातार और फिर उस पर प्रयास। इसलिए इस विचार की शक्ति को कम मत आंकिएगा, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने आज इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं। बिजली का, लाइट का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार, फोन का, मोबाइल फोन का आविष्कार, जो कि आज से कुछ शताब्दी पहले तक किसी की कल्पना ही थी, एक विचार ही था। काम में अंधे हुए रावण का वो एक विचार ही था जिसके कारण उसका नाश हुआ, जिसके विषय में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। यानी विषय विकार या किसी भी एक गलत विचार के बारे में बार बार चिंतन करते रहने से, सोचते रहने से धीरे धीरे मनुष्य का पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। वह यदि इस एक विचार को श्रेष्ठता की ओर, ऊंचाई की ओर मोड़ दें, तो एक विचार के कारण ही ध्रुव महाराज नादान सी उम्र में इतनी उग्र तपस्या कर गए कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा लोक और स्वयं भगवान की भक्ति पा गए। ये है विचारों की शक्ति। आइए हम सब भी अपने मन के बगीचे में अच्छे विचारों रूपी पौधे लगाएं और उनके सुगंधित पुष्पों से अपना और सभी का जीवन महकाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।